हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग पीयूष। गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। वैसे नाश्ता का तैयारी मैंने कर दिया है, तो आटा सान दिया है, पराठा बनाऊंगी मैं मूली का। तो मतलब मूली का जैसे भून के मैं तैयार करती हूँ, कद्दूकस करने के बाद तैयार करके रख दिया है। वो ठंडा होगा, आटा थोड़ा ठीक हो जाएगा, उतना देर में मेरा कपड़ा धुल जाएगा। कपड़ा हो गया आधा, लगभग सुखाना है केवल। ताकि आज जो मैं ओढ़ती हूँ वो लाभ भी मैंने दे दिया है। 15-20 दिन ओढ़ लेने के बाद थोड़ा सा महक हो जाता है उसमें, अजीब सा। तो सोचा धूप है तो सूख जाएगा, आगे तो सूखने का कोई सवाल नहीं, क्या ठंडी बढ़ने वाला है, कम नहीं होगा। रोज़ ओस होता है तो आगे कब धूप बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैंने सोचा धूप तो धो देती हूँ मैं आज। अभी उसे स्कूल जाएगा, अभी पेक पेक कर रहा है, लग के स्कूल जा चुका है। मम्मी स्नान करने नहा रही है, अभी उसके पापा दुकान में है, मैं अपने काम में बिजी हूँ। कान में मैं जब निकाल देती तो पहनना मुश्किल हो जाता है, एक बार निकल गया तो निकल गया। अब जाए देखो कब याद आएगा तभी पहनूँगी। काम करने के बाद पसीना, देखिए ठंड में भी यही हाल है, पसीना पूरा आया हुआ मेरा। ठीक है, चलते हैं किचन में, दिखाती हूँ आपको कितना सारा कपड़ा मैंने धोया है। रोज़ नहीं लगाती हूँ, मतलब कि 2-3 दिन से लगाती हूँ। संडे में लगा था, फिर आज लगा है, हो सकेगा तो संडे में लगेगा सीधा। बीच में एक बार लग गया तो कोई ये नहीं, पर होगा तो संडे में लगाऊंगी। ज़्यादा कपड़ा हो जाता मोटा तभी लगाती हूँ, ऐसे मैं हाथ से रोज़ धोती हूँ कपड़ा। जैसे घर रोज़ का यूज का मेरा थोड़ा बहुत होता है अपना, पीयूष लक्की का, यही इसके पापा का मोटा कपड़ा रख देती हूँ और रोज़ वाला धो देती हूँ। अभी वही जींस वंस है, वही डाला है मैंने। ठीक है, चलते हैं, फिर बात करेंगे। किचन में जाके नाश्ता बनाऊंगी, अभी 9 बज रहा होगा, 10 बजे जाऊंगी किचन में, तो 10:30 बजते बजते मेरा नाश्ता बन जाएगा। पीयूष जाता है 10:30-11 में स्कूल, मेरे से ज़्यादा तो पीयूष कपड़ा धोता है बेचारा। अपना काम तो कम करता है, मेरा काम ज़्यादा करता है। जाओ अपना बैग पैक कर दो, छोड़ दो इसको, हाथ हटा, यहाँ रखा हुआ है, छोड़ दो, निकालूंगी मैं, निकालूंगी, हो गया, निकालना है इसको। ये टांगने का सबसे अच्छा है मेरा, यहाँ टांगने का दिया है, और वहाँ कपड़ा रखा हुआ है, उसको भी पानी से निकालना है। अभी कपड़ा का काम मेरा हो गया तो मैं किचन में आ गई। तैयारी मैंने पहले से कर दिया है, वही मैं मूली का पराठा बना रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा, मूली का जो मसाला मैंने तैयार किया इसमें भरने के लिए, कितना अच्छा लग रहा है। क्या हल्दी डाल दिया मैंने, हल्का सा लाल मिर्च भी डाला है, इसीलिए अच्छे से बन के तैयार हो गया मेरा मूली पराठा। जिसका मन कर रहा है वो आके खा लीजिए आप सब भी, जिस जिसका मन कर रहा है। यहाँ देखिए कपड़े भी मैंने खूब सारे धोए, वही पीयूष आपको दिखा रहा है। धूप अच्छा है, अपना कंबल भी दोनों धो दिया है, उड़ने वाला सूख जाएगा। अब फिर 3 दिन तक मैं लगातार हाथ से धोऊंगी, उसके बाद मशीन में ज़्यादा होता तभी धोती हूँ। ये देखिए पीयूष का तैयार है, बन गया। अभी पीयूष जा रहा है स्कूल, ये है पीयूष का भैया जो इसके साथ जाता है। आज सुबह लक्की जब स्कूल जाता है तो इसका भाई लक्की के साथ जाता है, तो इसके पापा छोड़ के आते हैं, अभी पीयूष के पापा छोड़ने जाते हैं। तो क्या कि बार बार है ना नहीं जाना पड़ता है, अभी पीयूष के पापा छोड़ के आएंगे तो इसके पापा फिर लाने जाएंगे। यहाँ देखिए लक्की आया है, तो अपने दोस्त से अपना ज़रूरी बात हो रहा है दोनों के बीच में। पूरा रास्ता साथ में था, स्कूल में साथ में था, बात ख़त्म नहीं हुआ था अभी तक। कैसे होगा, अभी भी बात चला हुआ दोनों का, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। लक्की को पता भी ये वीडियो बन रहा है। ये मेरे दोपहर के खाने में बना है लक्की का फेवरेट पीला चावल, वही बोलता है पीला चावल, हम लोग तो पुलाव बोलते हैं। आजकल मैं रोज़ चावल नहीं बनाती हूँ, 1-2 दिन छोड़ के बनाती हूँ, ठंड में कम बनता है मेरे यहाँ चावल।
इसके बाद ये है शाम का वीडियो, पीयूष का हो रहा है पढ़ाई, लकी का भी इधर रखा हुआ है, लकी भी कर रहा है, फ़ोन भी रखा हुआ है। लकी पहले पूजा करेगा उसके बाद पढ़ाई करेगा, पहले पूजा कर लेता है, शाम का पूजा ज़्यादातर लकी करता है दोनों जगह का, कभी पीयूष भी कर देता है कभी मैं करती हूँ, पर ज़्यादातर लकी करता है। ये अपने बोल के बनवाता है, मम्मी मेरा वीडियो बना दो, नहीं तो दिन रोज़ मैं नहीं बनाती हूँ, पर इसको ज़्यादा शौक चढ़ता है वीडियो बनाने का हर चीज़ का, तो मैं बना देती हूँ, फिर इसको अच्छा लगता है तब। यहाँ मेरा सेवई का खीर बन रहा है। सेवई को पहले मैंने घी डाल के अच्छे से इसको भून लिया है घी में, लाल लाल करने के बाद मैं इसमें दूध डालती हूँ। दूध का जो मलाई अच्छा निकलता मेरा वो सब मैंने इसमें डाल दिया है, मतलब 1.5 किलो दूध आता है उसमें से 1 किलो लगभग मैंने इसमें डाल दिया है, 0.5 किलो सुबह जब बच्चे स्कूल जाएंगे तब वो पी के जाएंगे उन्हें के लिए रख लिया है। इसमें भी मेरा सेवई बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि सेवई को पकने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, दूध को पहले मैंने अच्छे से पका लिया था, अब तो 10-15 मिनट में इसका चीनी का पानी ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको बंद कर दूँगी, मेरा सेवई बन के तैयार हो जाएगा। अब वैसे आज मेरे यहाँ सेवई ही खाया जाएगा, रोटी बना ऐसा बात नहीं पर किसी ने खाया नहीं है, क्योंकि किसी का मन नहीं था, फिर उसके पापा का तो थोड़ा सा मतलब कि मन ठीक भी नहीं है, उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है तो उन्होंने तो खाना खाया ही नहीं है। मम्मी ने हल्का दलिया बना के दिया मम्मी को, मैंने मम्मी दलिया खाएगी, रोटी किसी ने नहीं खाया। यहाँ देखिए मेरा सेवई का खीर अच्छे से बन गया है, अब सबको मैं ठंडा होने के बाद दूंगी, अभी नहीं दूंगी क्योंकि ठंडा होने के बाद सब कोई खाएगा, गर्म कोई नहीं खाएगा, लकी तो खाता भी नहीं है। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, मैं सुन रही थी कि बाहर में गाना बज रहा है, बज तो रहा है पर आवाज़ कम आ रहा है, गाना बजना तो नॉर्मल बात है, यहाँ इस समय तो बहुत ज़्यादा बजता, बहुत ज़्यादा। अभी 8:30 बजे तो इतना डीजे आता है कि अनगिनती नहीं होता, उतना डीजे आता है, तो अभी थोड़ा शांत हुआ, उधर दूर बज रहा होगा, अभी यहाँ नहीं सुन रहा है। खाना पीना सबका, खाना पीना में वही है, मैंने अभी बनाया है खीर सेवई का, तो सेवई का खीर लक्की नहीं खाता और सब, तो फिर भी खा लेते हैं, अच्छा बना है मेरा सेवई का खीर, मतलब कि मैंने बना के रख दिया, अभी खाया किसी ने नहीं, दूध पीते हैं ना हम लोग रात में सोते समय, उसी समय वही सेवई का खीर खाएंगे रोटी के साथ, मतलब कि बहुत आदमी देखते हैं कि रोटी के साथ खाता है, रोटी के साथ नहीं खाते हम, रोटी सब्जी खाते हैं, खीर ठंडा हो जाएगा उसके बाद खाएंगे सेवई का खीर। लकी सो जाता है जल्दी, उसको नींद भी जल्दी आता है, उठना भी उसको जल्दी पड़ता है, सुबह स्कूल जाता है, इसीलिए मुझे डर लगता है गाना का। अब सब कोई बाहर में बैठा हुआ है, लाइट नहीं है इसीलिए, अब मैं बैठी हुई हूँ यहाँ रूम में, मैं भी बाहर में खड़ी हुई थी पर मुझे याद आ गया कि वीडियो का एंड नहीं हुआ तो कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, अगर शेयर भी कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।